गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं शारमिन आप लोगों को आज साइंस में पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 11, जिस चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो अर्थ और उसके कौन कौन से उसके नेबर्स हैं, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एंड टुडे आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टुडे और इन दिस चैप्टर इन दिस वीक आई विल डिस्कस हाउ सीजन्स आर कॉज्ड, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई विल स्टार्ट, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको स्काई के बारे में, अर्थ और नेबर्स के बारे में। तो हमारा एक हेवनली ऑब्जेक्ट्स स्काई भी है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिए ध्यान से, लिसन करिए, इसको पढ़िए, सुनिए बार बार, और अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है शारमिन साइंस चैनल, इसे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्काई, स्काई इज़ फुल ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स। स्काई जो है वो भरा हुआ है हेवनली ऑब्जेक्ट्स से। कुछ उसमें से बहुत चमकते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। सम ऑफ देम आर ब्राइटर देन अदर्स। द टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट दैट अपीयर्स इन द स्काई, और जो रात में जो टिमटिमाते हैं आसमान में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं, उन्हें हम लोग स्टार्स बोलते हैं। एंड द स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़, और जो धीरे धीरे चमकती हुई कुछ बॉडीज़ आपको नज़र आती हैं आसमान में, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स। अब आ जाइए स्टार्स। ये सन भी हमारा एक बहुत बड़ा स्टार है, ह्यूज बॉल है ऑफ हॉट गैसेस का। स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। ये हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है। सन जो है जो दिन में चमकता है, जो हमें एनर्जी देता है, और जिससे कि दिन में जो सूरज चमकता है, जिसके अंदर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी एक तरह का स्टार ही है। सो सन इज़ ऑल्सो एज स्टार, और वो अर्थ के सबसे नज़दीक है। कुछ स्टार्स छोटे होते हैं, कुछ जो हैं सन से भी बहुत बड़े होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि उसमें कितने अर्थ उसके अंदर आ जाएं, 1000 times बिगर देन इट। स्टार्स जो हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक चमकते रहते हैं। कुछ स्टार्स आपको नज़र आएंगे आसमान में, जो कि कुछ डिज़ाइन लिए हुए होते हैं और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज स्टार क्लाउड। और एक आपको कभी कभी रात में आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको बहुत चमकते हुए तारे नज़र आएंगे। कभी कभी लगेगा वो एक साथ भी बहुत सारे तारों का बादल जैसा नज़र आएगा। और इस स्टार क्लाउड को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स रहते हैं। मिल्की वे इज़ ए स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी। इस तरह से हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, और आप इसी से इमेजिन कर लो कि हमारा ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं उसमें प्लैनेट्स। तो आपने स्काई के बारे में भी जाना और स्टार्स के बारे में भी जाना। स्टार्स, सन भी हमारा एक स्टार्स है, और इसी तरह से बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे इस गैलेक्सीज़ में। अब आ जाइए प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट क्या होता है, एक हेवनली बॉडी जिसमें कि अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है और अपनी कोई भी हीट नहीं होती है। वो हमेशा हीट और लाइट दूसरे से लेते हैं। जैसे हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसे हीट मिलती है सन से, लाइट मिलती है सन से, इसका अपना कोई हीट लाइट नहीं है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट, इट डज नॉट हैव ए लाइट ऑन हीट ऑफ इट्स ओन। आपको पता चल गया है ना। हाउ एवर वन द सन, लेकिन जब सूरज की रोशनी इस धरती पर पड़ती है तो ये चमकता है। और इस तरह से बहुत सारे अर्थ की तरह जो है बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 planets हैं, जिसमें एक हमारा अर्थ है, है ना। तो बहुत दिनों से लोगों ने इसकी खोज की और पता चला कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, इनके नाम आप याद रखिए। मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सबों का आविष्कार हुआ। कब हुआ आविष्कार, जब टेलीस्कोप का आविष्कार हो गया। जब टेलीस्कोप आ गया दुनिया में, तो उनके बाद उसमें से देख के लोगों ने पता चलाया कि अर्थ के तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं। पहले बोला जाता था कि 9 planets थे, प्लूटो भी एक 9 planet था, लेकिन बाद में प्लूटो को हटा दिया गया
और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया 2006 में, और अब उसे प्लूटोइड कहा गया 2008 में। ये जो प्लैनेट्स के जो नाम है ये ग्रीक गॉडेस और रोम गॉड्स के नाम पे रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स जो है वो एक रोमन गॉड ऑफ वार, रोमन के गॉड थे, किस चीज़ के गॉड थे, गॉड ऑफ वार, तो उनके नाम पे मार्स रखा गया। तो कौन कौन से प्लैनेट्स के नाम हुए एक बार फिर रिपीट करते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन जो है जुपिटर है, ये देख लीजिए, ये सारे आपको देख लीजिए, मार्स है, अर्थ है, मून है, वीनस है, मरकरी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है ना। जब आप रातों को आसमान में देखते हो, स्टार्स को देखते हो, तो ट्राई टू, तो आप प्लैनेट्स को भी देख सकते हो, यू कैन ईजिली स्पॉट एटलीस्ट टू ऑफ, लेकिन आप इसमें से सबको तो नहीं देख सकते हो, लेकिन कुछ कुछ देख सकते हो। कुछ अगर आपको लाल जैसी चीज़ नज़र आएगी, रेडिश कलर की, तो समझ जाना कि वो मार्स है। क्या है वो? मार्स है, क्योंकि मार्स लुक डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट दूसरे प्लैनेट से लगता है, वो थोड़ा सा रेड कलर में नज़र आता है। मरकरी और वीनस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सुबह के वक्त में यानी सनराइज से पहले और सनसेट के टाइम में देख सकते हैं। वीनस इज़ कॉल्ड, वीनस को हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको सुबह के टाइम में यानी सनराइज़ के टाइम में और सनसेट के टाइम में नज़र आता है। जुपिटर जो है वो सबसे चमकीला है और ब्राइट है, और सैटर्न बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। तो जुपिटर कौन सा है? वो सबसे ब्राइट स्टार है, और सैटर्न बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। और सैटर्न के आगे आपको बहुत सारे रिंग्स नज़र आएंगे, चारों तरफ रिंग्स, ये आपको इतनी दूर हैं ये सब प्लैनेट्स के आपको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, निकट आई से नहीं, आप इसे टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ाएंगे सैटेलाइट। तो आपने प्लैनेट के बारे में जान लिया, कौन कौन से प्लैनेट है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और इसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं, इंडियन नेम है, मरकरी को हम लोग बुध बोलते हैं, वीनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस को अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया, और आप इन सारे को एक बार पिक्चर भी देख लीजिए। ये आपका जुपिटर है, ये आपका सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ये आपका मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, और ये मार्स है, ये थोड़ा रेडिश कलर का होता है। तो आज का इतना ही। ये जो वीनस है, जो मैंने बताया कि ये जो वीनस है इस पे वाइट क्लाउड्स रहते हैं, थिक और वाइट क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स जो है ये हीट ले लेता है सन से, इसीलिए वीनस का सरफेस बहुत ही गर्म रहता है, और इसके जो रॉक्स हैं वो बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा गर्म होते हैं। यानी बॉइलिंग वाटर को क्या आप छू सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये उससे भी ज़्यादा गर्म होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको इन प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं, और अगर मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।